सुख सागर छठा स्कंद तीसरा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का हाल कहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आप आने वाले हर अध्याय को सुनिश्चित होकर सुन सकेंगे। तो चलिए इस अध्याय को आरम्भ करते हैं। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को बैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे, आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे और क्रमानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए तो उसने हमें देखकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा तो चतुर्भुजी रूप चार पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कहे देते हैं, इसका ऐसा यत्न कीजिए जिससे हमारा अपमान न हो। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करके उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण की महिमा को नहीं जानते। उस नाम का महात्म इंद्रादिक देवता और भृगु आदिक ऋषिश्वर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा राजा जनक, मनु भीष्म पितामह, प्रहलाद राजा बलि, सुखदेव नारद महादेव कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा महादेव और इंद्रादिक सब देवता परमेश्वर की सेवा में रहते हैं और उनकी आज्ञानुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया से सारा जगत बना हो रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ खेद न मानकर अपना अहोभाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषिश्वर भी जल्द ही नहीं पा पाते। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का यह माध्यम सुनकर धर्मराज से विनय की कि जब परमेश्वर के नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके लिए सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं जिससे उसका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम कोई दूसरा कर्म नहीं है। यज्ञ व तप आदि करने से केवल एक पाप ही छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखलाने के लिए यज्ञ तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं जिससे संसारी जीव उस डर से अधर्म न करे। नहीं तो मनुष्य निर्भर होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारी सुख भोगने के लिए पाप कर लेंगे, पीछे परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के लिए तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम न लिया हो, कभी उनकी लीला व कथा न सुनी हो, उसे हम पापी समझना चाहिए। जो नारायण की शरण में जाता है उससे पाप नहीं होता, परमेश्वर उनके अशुभ कर्मों को बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालिग्राम का चरणामृत नित्य लेते हैं उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति की
कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरि चर्चा करता है जाना नहीं चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे महामुनि, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस प्रकार निकला? सुखदेव जी बोले, राजन, एक दिन चार साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या समय पहुँचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरि भक्त का स्थान लोगों से पूछा। उन्हें गांव वालों ने हंसी में अजामिल अधर्मी का घर बता दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वैश्या ने साधुओं को अच्छा ग्रह टिकने के लिए देकर धूनी पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वैश्या से, जो गर्भवती थी, कहा, तेरे पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते समय मुख से नारायण का नाम निकला था। संत व महात्मा की सेवा प्रथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व सेवा करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय की, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण के नाम का महात्म्य मुझे बताया है। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का रसपान नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं।